बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सबके? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का छोटा सा व्लॉग है और आज जो है वो आज नहीं बल्कि कराची में वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस वक्त, फिर भी धूप नहीं है। बट सुबह से जो धूप होती है, गर्मी होती है और उसके ऊपर से के इलेक्ट्रिक वालों की मेहरबानियाँ, लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही है। आप बताएं मुझे आपके इलाके में, आपके शहर में क्या हाल है गर्मी का? बहुत गर्मी है कराची में, तो बहुत ज़्यादा शदीद वाली गर्मी है। धूप भी बहुत तेज़ है, हवा भी नहीं चल रही, हब्स भी है। सो बस कराची वालों को सलाम मेरी तरफ से। मैं खुद कराची में रहती हूँ तो बहुत मुश्किल हो रहा है। सो अभी जो है 3:30 बज रहा है दिन का और आज मैंने जाना है इम्तियाज़ कुछ चीज़ें लेने, स्किन केयर वगैरह की। मैंने सोचा आपके साथ आपको लेके चलती हूँ। तो आप मेरी हालतें देख रहे हैं और जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तभी ख्याल आता है कि मेरा शीशा बड़ा गंदा है, उसको साफ़ करना है। खैर, सो आज हम जा रहे हैं इम्तियाज़ थोड़ी सी चीज़ें लेने, तो मैंने सोचा आपको इसका थोड़ा सा व्लॉग बनाती हूँ छोटा सा। हालांकि आप इम्तियाज़ में अंदर नहीं व्लॉग कर सकते, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे। सो मैंने अपने कपड़े वही कल वाले निकाले क्योंकि मैं आने के बाद फिर कपड़े चेंज करूँगी, नहाऊँगी। आप भी यही क्या करें, जब भी बाहर जाएँ तो बाहर से आकर फिर नहा के कपड़े बदला करें, और जाने से पहले जो है वो CAC 1000, ये वैसे भी आपको रोज़ लेनी चाहिए, इसमें विटामिन वगैरह होते हैं, तो आपकी जो बॉडी है थोड़ा सा इम्यून सिस्टम आपका जो है मजबूत होगा, तो हमें बीमारियों से लड़ने की बड़ी ताकत मिलेगी। इसके अलावा आजकल मैं ये बड़ा यूज़ कर रही हूँ प्रिकली हीट ठंडा पाउडर, क्योंकि बहुत लाइट जा रही है, बहुत गर्मी है। सो अभी ये पीते हैं जल्दी से और उसके बाद फिर चलते हैं इम्तियाज़। और क्या क्या हमें वहाँ लेके जाना है, मतलब जाने से पहले जो प्रिकॉशंस यानी कि ये 2-3 चीज़ें मेन जो आप कहीं पे बाहर जा रहे हों वो आपने अपने साथ ज़रूर लेके जाना है, जिसमें से हो गए ग्लव्स हमारे, और मैं ग्लव्स ज़रूर पहनती हूँ, बहुत सारे लोग नहीं पहनते लेकिन मैं ज़रूर पहनती हूँ। ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, और एक सैनिटाइज़र, सैनिटाइज़र नीचे पड़ा है तो मैं जाते हुए उसको उठा लूँगी। तो ये चीज़ें कहीं भी जा रहे हों बाहर, ये चीज़ें ज़रूर पहन के जाएँ। आजकल वैसे भी हमें अपने नॉर्मल काम करने तो हैं ही, अब हम घर में नहीं बैठ सकते इस तरह, तो जब भी जाएँ बाहर थोड़ी प्रिकॉशंस के साथ जाएँ। बाकी अल्लाह मालिक है, जिसको होना है उसको तो होना ही है। खैर, तो अब जो है यहाँ पे हम इम्तियाज़ में तो हम आ चुके हैं, और यहाँ पे जो है वो अब बड़ा अच्छा अरेंजमेंट इन्होंने कर दिया है सारे। आपको यहाँ पे साइंस लगा दिए, निशान लगा दिए कि किसने इस डिस्टेंस पे खड़े होना है इम्तियाज़ के बाहर भी। तो यहाँ पे अब काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट है, पहले नहीं थी, इस वजह से बहुत बार सील हो चुका है पहले, लेकिन अब जो है वो काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट इन्होंने बाहर और अंदर दोनों कर दी है। सो अब काफ़ी उसमें आसानी हो जाती है। पहले मुझे जो है हाइपर की अरेंजमेंट ज़्यादा अच्छी लगी थी, बट अब की दफ़ा मुझे यहाँ की भी अच्छी लगी। सो हमें जो है वो ऊपर ज़्यादा पहले ही जाती हूँ कि ऊपर जो है स्किन केयर वगैरह का सेक्शन है, और मैंने बड़ी कोशिश की थोड़ा बहुत ब्लॉग करने की, वीडियो वगैरह शूट करने की, लेकिन जो है वो वहाँ अलाउड नहीं होता। सो यहाँ पर मैंने अपनी सारी चीज़ें ले ली थी, अब हम बिल के काउंटर पर खड़े हैं, और ये जो ऊपर का इनका सेक्शन है यहाँ पर सारे स्किन केयर, मेकअप और कपड़े, ज्वेलरी वगैरह ये सब कुछ होता है। आई एम सॉरी, मैं आपको डिटेल में नहीं दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर अलाउड ही नहीं है दिखाना। तो यहाँ पे सब कुछ होता है और बड़ी जो है आपको अच्छी प्राइस में मिल जाता है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता है, इसलिए मैं हमेशा स्किन केयर तो है जो है वो यहीं से लेती हूँ, शैम्पू हो गया, स्किन केयर हो गया, हमेशा यहीं से लेती हूँ। तो अभी हम बिल बनवा रहे हैं, बिल बनवाते हैं, उसके बाद फिर घर चल के मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। सो आई एम बैक होम। सॉरी जी, इम्तियाज़ में जो है आप ब्लॉग नहीं कर सकते बिल्कुल भी, आप कैमरा ही नहीं खोल सकते, मोबाइल तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि फ़ौरन से पहुँच जाते हैं मैम जी कि जो है कैमरा अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है। खैर, थोड़ी चीज़ें मैं दिखा देती हूँ क्या के लिए, बाकी चीज़ें आधी नीचे हैं, घर का सामान है, थोड़ी बहुत ग्रोसरी है, तो इसमें दिखा देती हूँ मैं क्या क्या है। एक टिशू और बहुत सारे साबुन हैं अंदर, क्योंकि हम जो हैं वो दो महीने तकरीबन ये चल ही जाएंगे। सो ये सारे साबुन हैं, फा है, डिटॉल है, और ये एक और है लेमन का, ये है अंदर, एक हैंड सैनिटाइज़र है, और क्या है, और साबुन, लॉट्स 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 ऑफ सोप्स, तो ये है और सैनिटाइज़र है, और कुछ चीज़ें मैंने ली हैं स्किन केयर वगैरह की, वो मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। इसमें जी मेरी स्किन केयर और थोड़ा सा एक दो मेकअप की मैंने चीज़ें ली, वो मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने कॉटन पैड्स लिए, मेरे ख़त्म हो चुके थे, तो ये मुझे वहाँ नज़र आए काफ़ी सस्ते से मिल रहे थे, आई थिंक 150 तक के होंगे, तो ये मैंने ले लिया। एक इसके अलावा जो है वो एक ये फिटमी का जो इनका ट्यूब फॉर्म में आया है, ये मैंने लास्ट टाइम भी लिया था, और ये मैंने अभी दूसरे शेड में लिया है, तो इसका जो है हम रिव्यू शिव्यू करेंगे अपने इंस्टा पर, तो इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर लें। इसके अलावा मेरे बाल बहुत ज़्यादा आजकल ड्राई हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं पैंटीन का एक कंडीशनर ट्राई करती हूँ, उस पर लिखा हुआ था मिल्की है, थोड़ा सा ड्राई बालों के लिए, तो मैंने सोचा चलो जी इसको ट्राई करते हैं। इसके अलावा आपकी दफ़ा मैंने शैम्पू भी नया ट्राई किया है, ये बेबी शैम्पू के, इसमें बिल्कुल भी केमिकल्स वगैरह नहीं होते, तो आजकल जो है बिल्कुल मैं बालों पे ना कोई केमिकल वगैरह नहीं लगाई, तो इसलिए मैंने नया ये कॉम्बो लिया, इसको ट्राई करके देखेंगे। इसके अलावा ये हिमानी की जो योगर्ट क्रीम है, मुझे मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि क्रीम बहुत अच्छी है, तो मैं इसको ट्राई करूँगी, फिर इसका रिव्यू करेंगे। वैसे मुझे देखने में अच्छी लग रही है, इसका टेक्स्चर भी मुझे अच्छा लगा मैंने जब खोला, तो सो इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर बताएँगे।
उसके अलावा ये है रोज़ वाटर हिमानी का, सईद गनी का पहले मैं यूज़ कर रही थी, अब हिमानी का, ये दो ही मेरे फेवरेट हैं, यही मैं यूज़ करती रहती हूँ। और क्या है जी, और इसमें है ये वाइप्स हैं, मुझे दिख गए थे तो मैंने ले लिया, वैसे मैं वाइप्स यूज़ नहीं करती लेकिन कहीं जब जाना आना हो ना तब मैं बैग में रख लेती हूँ, थोड़े काम आ जाते हैं। ये वाइप्स हैं कूल एंड कूल के। और क्या है अंदर, अच्छा ये वाला फेस वॉश जिसके बड़े चर्चे हुए हैं आजकल यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा मुझे नज़र आया तो मैंने भी उठा लिया कि ज़रा ट्राई करके देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी कि जो इसकी तारीफ़ें हो रही हैं वो बिला वजह हो रही हैं या फिर किस लिए हो रही हैं। इसके अलावा ये मैंने पॉन्ड्स का फेस वॉश लिया, ये मैंने किसी वीडियो के लिए लिए हैं दोनों फेस वॉश, तो ये जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें फिर मैं आपको बताऊँगी। तो ये है, और एक तो मैंने पेंसिल्स ली थी, एक मैंने स्वीट फेस की ली थी पेंसिल, इनकी आईब्रो पेंसिल, ये मैं काफ़ी दिनों से ट्राई करना चाह रही थी, नई आई हुई थी तो मैंने सोचा इसको आज मुझे नज़र आ गई तो मैंने ले लिया। ब्राउन और ब्लैक इसके दो शेड्स में आते हैं, और ये ब्राउन वाला शेड है, ये मुझे वहाँ दिख गई तो मैंने, आई थिंक ये 200 तक की है लेकिन 170 के डिस्काउंट के बाद मुझे मिल गई है। इसके अलावा दो पेंसिल्स हैं ब्लू और ब्राउन कलर की। और क्या है, बस यही सामान है थोड़ा बहुत स्किन केयर का, और एक दो चीज़ आई थिंक इधर उधर हो गई हैं तो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी अगर मुझे मिल गई तो। ओके, तो अब जो है वो रात हो गई है, और वहाँ से आने के बाद जो है मैं केएनएनएस की चपले कबाब भी लाई थी, मुझे बड़े पसंद है। मुझे फ्रोज़न फूड वैसे पसंद नहीं है चाहे किसी भी कंपनी का हो, लेकिन ये मैंने एक दफ़ा ऐसे ही ट्राई कर लिए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे तो इसलिए मैं दोबारा लेकर आई। तो इसी का अभी मैं सैंडविच बनाने लगी हूँ क्योंकि और मेरा कुछ भी खाने का मूड नहीं है, सो सैंडविच बनाते हैं। सैंडविच में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ चपली कबाब डाला है, थोड़ा सा ककम्बर डाला है, मेयोनीज और केचप, बस। तो ये खाते हैं, उसके बाद फिर जो है वो चलेंगे जी सोने के लिए, उनके रात हो चुकी है और मुझे नहीं पता अभी आई थिंक एक बार फिर लाइट जाने लगी। आप मुझे बताएं आपके इलाके में क्या, आपके शहर में क्या सूरत हाल है लाइट की और गर्मी की। सो ये छोटा सा आज का व्लॉग था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपके इलाकों में आपके शहरों में क्या सूरत हाल है गर्मी की और लाइट की। सो अंटिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।